strongest tha aur smartest tha. ठीक है, so they had different opinions. Obviously उनका opinion different होगा क्योंकि वो different different animals से different birds से, तो उससे उनका opinion अलग अलग होता है. So ये जो activity आपका दिया है, ये it's a group discussion. Okay, suppose आप class में present होते, that time you can do it properly with your classmates. जब class में होते तो classmates के साथ आप properly discussion कर सकते थे. But now this condition is not. कहें कि आप क्लास में प्रेजेंट होके ये सुनोगे, सो मैं जो ये एक्टिविटी में जो दिया है जस्ट आई एक्सप्लेन इट एंड यू लिसन.
स्टोरी जस्ट लिसन टू मी. अगर बुक है तो जस्ट ओपन योर बुक एंड गो थ्रू इट, गो थ्रू इट. अगर नहीं है तो मेरे साथ स्टोरी जो है मैं वो समझा लूँ. लिसन. सो इन एक्टिविटी सिक्स इज गिवन देर आर मेनी अमेजिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड दैट डिस्कस्ड ऑलरेडी. देर आर मेनी अमेजिंग एनिमल्स, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के एनिमल्स हमको पता है ये वर्ल्ड में. एनिमल्स के बारे में पता भी नहीं है, स्टिल दे आर लिविंग हियर इन द वर्ल्ड. ओके, सो देर आर मेनी अमेजिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड बट मेनी एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. ओके, व्हेन एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट दे आर नो लॉन्गर एग्जिस्टेंट ऑन अर्थ. एनिमल्स दैट आर इन डेंजर नाउ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स. सम ऑफ दीज एंडेंजर्ड एनिमल्स लिव इन इंडिया. वन इज कॉल्ड द इंडियन पर्पल फ्रॉग. There are many amazing animals in the world. मतलब बहुत सारे अलग 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 characteristics के animals, जानवर जो है हमारे world में है. But many animals are in danger of extinction. Extinction मतलब खत्म होने के पास हो गए हैं. मतलब उनके जो species है वो खत्म होने को आया है. मतलब वो कोई भी reason चाहे कोई भी हो, जैसे dinosaur already extinct हो गया है, मतलब dinosaur अभी नहीं है. ऐसे ही कुछ कुछ एनिमल्स की स्पेसीज प्रजाति है जो खत्म होने की राह पे है. मतलब ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी फिनिश, खत्म हो जाएगा. ठीक है, वहाँ तक नजदीक में पहुँच गया है, मतलब खत्म हो जाएगा. आर इन डेंजर मतलब कोई भी रीजन से दे आर स्पेसीज इन डेंजर. ओके, सो व्हेन एन एनिमल एक्सटिंक्ट दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. कोई भी एनिमल अगर एक्सटिंक्ट हो जाता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया है डायनासोर ऑलरेडी एक्सटिंक्टेड एनिमल, वो राइट नाउ, तो जो भी एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाता है मतलब वो खत्म हो जाता है. अभी कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं पे भी हमको वो नहीं मिलेगा. ओके, एनिमल्स दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड एंडेंजर्ड. मतलब जो एनिमल्स अभी खत्म होने के कगार पे है, मतलब जिसकी प्रजाति जिसकी स्पेसिस अभी ऑलमोस्ट गोइंग टू फिनिश, मतलब है अभी पर बहुत रेयर है, बहुत कम है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर इन एंडेंजर्ड. मतलब थोड़े से ही बचे. ओके, सम ऑफ दीज एंडेंजर्ड एनिमल्स लिव इन इंडिया. कुछ ऐसे एंडेंजर्ड एनिमल में से कुछ एनिमल्स है जो हमारे इंडिया में भी पाए जाते हैं. सो वन ऑफ देम इज, उनमें से वन इज कॉल्ड इंडियन पर्पल फ्रॉग. सो व्हाट इज वन ऑफ द एनिमल, इंडियन पर्पल फ्रॉग. ओके, एंड इट इज वेरी रेयर, रेयर मीन्स बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड, लिमिटेड टू लिमिटेड है उसकी जो स्पेसिस है बहुत ही कम है. ओके, इन इंडिया द पर्पल फ्रॉग लिव्स इन इंडियाज वेस्टर्न घाट्स. इंडिया जो पर्पल फ्रॉग है वो इंडिया के कौन से साइड में मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स. सो वेस्टर्न घाट क्या है, वेस्टर्न घाट एक लैंडफॉर्म है, एक जगह है, जैसे हम कोई एरिया को कुछ नाम दे देते हैं. सो इंडियाज वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो एक लैंडफॉर्म है, जगह है, जिस कुछ एरिया को मिला के हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स. द अनयूजल प्लेसेज ऑफ माउंटेन्स, फॉरेस्ट, पीपल्स एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड्स. सो जो वेस्टर्न घाट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें क्या क्या जगह आती है, क्या क्या कौन सी लैंडफॉर्म्स दिखने को मिलता है वेस्टर्न घाट्स में. द अनयूजल प्लेस, अनयूजल मतलब मीन्स जो एक जो नॉट यूजल, यूजल मतलब जो नॉर्मली हमको मिल जाती है, नॉर्मली अवेलेबल होता है. सो अनयूजल मीन्स कुछ अलग सा होता है, इट्स नॉट यूजल. ओके, सो दिस अनयूजल प्लेसेस माउंटेन्स, अनयूजल प्लेसेस में क्या होता है, प्लेसेस खास मतलब वेस्टर्न घाट का जो प्लेस है उसमें हमको कौन से लैंडफॉर्म, कैसे कैसे तरीके की जगह देखने को मिलती है. माउंटेन्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, पीपल्स होते हैं एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड्स होते हैं. सो माउंटेन्स मतलब पहाड़ी से होते होंगे, पहाड़ी पहाड़ होते होंगे, फॉरेस्ट जंगल भी कुछ है और कुछ पीटबर्ग्स. पीटबर्ग्स मतलब इट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, वेट लैंड होता है ये. मतलब जैसे कोई कोई जगह पे पानी के साथ जैसे डेड एनिमल्स होते हैं, डेड वेजिटेबल मतलब वेजिटेशन होते हैं जो डिकम्पोज होती जो जगह पे रहते, जैसे गंदा लगता है वो देखने में. इट्स अ वन टाइप ऑफ वेट लैंड, मतलब पानी के साथ डेड एनिमल्स, ये डिकम्पोज वेजिटेशन, पेड़ छोटे छोटे प्लांट्स ये सब सड़े हुए होते हैं, सड़ गए होते हैं, खराब हुए, खराब हो गए होते हैं.
is called the purple frog, the Indian purple frog, the pig nose frog. So it is called purple frog. क्या बोला जाता है? Indian purple frog or the pig nose frog. Different names for the same animal.